1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने जा रहा है। सरकार ने अलग अलग सामानों के लिए टैक्स स्लैब जारी कर दिए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद आयुर्वेदिक सामानों पर 12% टैक्स लगेगा, जो कि अभी मात्र 5% लगता है। यानी जीएसटी के बाद आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि सरकार के इस कदम से खुश नजर नहीं आ रही है। पतंजलि की ओर से कहा गया है कि वो सरकार को एक पत्र लिख रही है, जिसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर 12% जीएसटी के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा जाएगा। पतंजलि के प्रवक्ता के तिजारवाला ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, हम आम आदमी के हित में सरकार से आयुर्वेदिक कैटेगरी के लिए जीएसटी रेट पर दोबारा विचार करने का निवेदन कर रहे हैं। अच्छी सेहत या अच्छे जीवन के बिना अच्छे दिन नहीं आएंगे। तिजारवाला ने कहा कि कंपनी मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी को कम दामों पर इलाज और देखभाल के लिए बिजनेस कर रही है। गौरतलब है कि पतंजलि सस्ते और आयुर्वेदिक उत्पादों के जरिए तेजी से वृद्धि कर रही है। कंपनी का सालाना कारोबार 10,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद पतंजलि के उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।